हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको आरूपी के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मुझे और भी कुछ जानकारी देनी है आपको, क्योंकि मेरा बेबी प्रीमी था और 980 ग्राम का था। तो उसे रेटना से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसे उसे दिखाई नहीं देता था। तो ये कहिए कि वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने जहाँ बता दिया हम लोगों को कि मतलब अगर ये 1200 ग्राम से कम का बेबी है तो इसको ही शिकायत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और मतलब दिक्कत है, मतलब श्योर थे वो लोग। इसका टेस्ट वगैरह हुआ था तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने बाहर से टीम बुलाई थी डॉक्टर्स की। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था जो कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का इंजेक्शन होता है, जो कि 10,000 का होता है। वो बहुत ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इसके बारे में पता ही नहीं होता। आप चाहे तो गूगल करके देख लो कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा और ये मतलब क्या, इसके लिए क्या ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है। प्रीमेच्योर बच्चों के लिए होता है ये, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगवाते हो जन्म के एक माह के अंदर तो आपका बच्चा देख नहीं सकता कभी भी। फिर आप चाहे जितनी सर्जरीज करवा लो उसको मतलब दिखाई ही नहीं देगा। और हमारे लल्ला को तो सुनाई भी नहीं देता था क्योंकि बहुत ही वीक था, जैसे लुक लाइक अ मंकी, मतलब बोलना नहीं चाहिए। जब ये घर आया था तो एकदम मतलब जैसे एकदम छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। और इसकी स्किन इतनी ज़्यादा बर्न हो गई थी क्योंकि वहाँ पर 38 डिग्री टेम्परेचर में रहता था और ब्लू लाइट के नीचे रहता था ये, तो उसको में भी जॉइंटिस भी हो गया था। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको, आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ये इसके बारे में बताते ही नहीं है। क्योंकि मुझे तो इमरजेंसी में अपनी डिलीवरी करानी पड़ी थी, क्योंकि बेबी का मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं जहाँ पर अपना मतलब चेकअप कराने जाती थी, वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि यहाँ पर आपका बेबी बहुत क्रिटिकल है, यहाँ ये नहीं हो सकता पॉसिबल, यहाँ डिलीवरी हम नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का NICU नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे की ऑक्सीजन लेवल 2% रह गई है। तो हमारे पास उस लेवल का NICU नहीं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और बस कहा कि आपको मतलब किसी मतलब बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल का नाम बताया था, 2 हॉस्पिटल का नाम बताया था कि आपको वहाँ जाके एडमिट होना पड़ेगा, तो आपको घर भी नहीं जाना है। तो ये देखो, तो मुझे इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा था। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल एकदम, मैं शॉक थी कि ये क्या हो गया। मतलब अभी एक हफ्ते पहले तो सब कुछ ठीक था और अचानक से ये सब क्या हो गया है। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा पेट भी उतना नहीं था क्योंकि मुझे खुद जॉइंटिस और टाइफाइड हो गया था, मतलब 1 महीना टाइफाइड रहा। तो बच्चे को भी बहुत दिक्कत हुई होगी, बट फिर भी वो मूवमेंट करता था। लेकिन अचानक से जब मुझे मेरा टाइफाइड ठीक हो गया, उसके 10-15 दिन बाद ही मूवमेंट बच्चे की नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं गई तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, 2% ही ऑक्सीजन बची है आपके, मतलब सांस लेने के लिए उसमें मतलब कोई हलचल ही नहीं है, तो आप तुरंत एडमिट होइए। तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। तो और बच्चे को तो तुरंत NICU की ज़रूरत थी, तो जैसे ही वो डिलीवर हुआ तो मुझे बताया भी नहीं कि बेटा है बेटी है, कुछ भी नहीं बताया बस, और मुझे दिखाया भी नहीं। मैंने अपने बेटे को 4 दिन बाद देखा था, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा होगा। 4 दिन बाद अपने बेटे को देखा मैंने, तो मैं देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतना वीक बेबी है मेरा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है आप बिल्कुल मत फेस करना। तो और ये आरओपी का इंजेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भला हो वहाँ के डॉक्टर्स का, जो बाहर से डॉक्टर्स की टीम बुलाई उन्होंने और उसको आरओपी का इंजेक्शन दिया, दोनों आईज में लगी थी। उसके बाद फिर उसका रेटिना डेवलप हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने बोला था 3 मंथ बाद आप इसको टेस्ट कराइएगा, लेकिन उसका मतलब उसकी आंखें फंसती थी इधर उधर देखता था। तो फिर उसके बाद उसकी सर्जरी हुई थी आंखों की, तो 1500 लेजर स्ट्रोक्स दिए गए थे उसको। तो उसने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया, उसको सुनाई भी नहीं देता था। तो बस भगवान की कृपा से वो बच ही गया। डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल होप आप छोड़ दीजिए, आशा मत करिए, उम्मीद मत लगाइए कि कुछ बच जाएगा। तो मुझे गायनी ने बोला कि आप इतना वीक बेबी लेकर आए, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते, मोस्टली तो हम बता देते हैं। तो ये इंजेक्शन आप ज़रूर लगवाएं। और लल्ला जन्माष्टमी के 5 दिन पहले ही घर आ गया था, तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम दर्श रखा था, जिसका मतलब होता है लॉर्ड कृष्णा। तो और वैसे तो उसका ऑफिशियली नाम आप लोगों को पता ही है, युवान है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग ये आरओपी ज़रूर कराएं। अगर आपका प्रीमी बेबी डिलीवर करते हो और उसका वेट 1200 ग्राम